विदिशा जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेतवा नदी में कई आधार कार्ड तैरते हुए मिले हैं, तो कुछ कार्ड किनारे पर ढेर लगे मिले। बताया जा रहा है कि ये आधार कार्ड लोगों को वितरित करने के लिए आधार कार्ड केंद्र से बनकर डाकघर आए थे, लेकिन डाकघर की लापरवाही के कारण लोगों को वितरित ना कर कार्ड को बेतवा नदी में फेंक दिया गया, जिसके बाद बेतवा नदी पर श्रम समिति के सदस्यों की नजर पड़ी। सदस्यों ने कार्डों को एकत्रित कर पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। आधार कार्ड पड़ी हुई है सैकड़ों की तादाद में, क्या कहना है आपका? आज सुबह सुबह देखा है कि यहाँ बहुत सारे आधार कार्ड, कोई पटक गया और भी डॉक्यूमेंट है कुछ, इसमें कोई LIC देखा जा रहा है यहाँ पे। मैं साहब यहाँ बेतवा नदी पे हूँ, यहाँ सुबह आए हम लोग तो यहाँ पर बहुत सारे आधार कार्ड पड़े हुए पाए गए हैं, ठीक है ना। ये आधार कार्ड बहुत कीमती है, इससे कोई भी मतलब कुछ भी कागज लगा करके कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, इसका लोन ले सकता है या कुछ भी दस्तावेज में लगा सकता है, इसके लिए ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये क्या देखा जा रहा है? हम बेतवा उत्थान समिति के नियमित श्रमदानी हैं। हम यहाँ मदन उद्यान में आज श्रमदान कर रहे थे, तो यहाँ उद्यान के बगल में ही हजारों की तादाद में आधार कार्ड, कुछ नोटिस वगैरह ऐसे पाए गए। हम ये देख रहे हैं कि सरकार कितनी लापरवाही कार्रवाई हुए कि ये आधार कार्ड जैसी आवश्यक चीज़ यहाँ पर नदी पर फेंक कर लोग जा रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।